हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भोपाल की बहू नीतू, बोले तो नीतू भोपाली। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। लेकिन अभी जो चल रहा है वो अच्छा नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगी अपनी कुछ गलतियों को सुधारने की। और अब मुझे कोई डर नहीं है, अब मैं बिल्कुल कोई कुछ नहीं है। जो डर था वो सब ख़त्म हो चुका। सब जो मेरी से जो भी गलती हुई थी वो ठीक है, जिस चीज़ के लिए मुझे डराया गया था। और अब मैं किसी के डर में नहीं हूँ। सीधी बात जो करूँगी सीधी बात कहूँगी और अब स्पष्ट बोलूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले माफ़ी मांगने का मैं सिलसिला शुरू करती हूँ। तो पहली माफ़ी जा रही है मेरी दारक सरिता को, हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ के मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ सरिता। हमारे ग्रुप का सलमान खान, जिसको मैं हमेशा से यही बोलती आई, सलमान खान। यार ये फ़ोन क्यों आते कुछ समझ में नहीं आता, जब भी स्टार्ट करती हूँ। हमारे ग्रुप का सलमान खान, तो माफ़ कर दे। बहुत रो रो के, और जब तू रो रही थी ना हम लोगों के सामने, कसम खा रही हूँ अंदर से बहुत तकलीफ़ हो रही थी। सिर्फ तूने सच का साथ मांगा था, क्योंकि सच में वहाँ पर किसी की बहन बेटी की इज्जत की बात थी। बोले मेरे लिए, मेरी दोस्ती के लिए मत आओ, सिर्फ मेरे घर की इज्जत के लिए आके खड़े हो जाओ। लेकिन माफ़ कर दे यार, बहुत मन था, बहुत दिल था तेरा साथ देने का, लेकिन एक मजबूरी ने, एक चीज़ ने पैर बांध रखे थे, वरना पूरे सपोर्ट में थे सब, एक एक जन तेरे सपोर्ट में था। क्योंकि सच में तेरे साथ वहाँ गलत हुआ था, सच में गलत था। तो जेठू भाई, उन्होंने मेरे कानों में जेठू भाई की बातें गूंज रही है, पता है, नीतू जी दोनों पति पत्नी, दोनों पति पत्नी, नीतू जी हमारे साथ हुआ है आपके साथ भी होगा, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। क्योंकि उस समय बात ये थी, या तो ये या तो मैं, और अगर उधर गई तो फिर तू कहीं की नहीं। माफ़ कर दो, बहुत बड़ी गलती हुई, दिल से सॉरी। और मेरे जो दूसरे क्रिएटर लोग हैं जिनसे भी मैंने विवाद किया, उन सबसे भी मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, सॉरी, सबको दिल से सॉरी। जिस जिसको मैंने हर्ट किया है माफ़ कर दो बस। और आगे बढ़ते हैं। तो आज एक चीज़ और मैं क्लियर करती हूँ, भरी लाइफ में मुझसे रिश्ता तोड़ा गया था ना, तो और उसके बाद भरी लाइफ में बोलने के बाद बाद फिर मेरे देवर से भी क्लियर बोला कि मैन टू मैन बात की जाएगी। बोले आज के बाद उनका नाम, आपकी भाभी का नाम हमारे किसी चीज़ में नहीं आएगा, तो लेकिन आपकी भाभी हमारे यहाँ नहीं दिखना चाहिए, मेरे देवर से मैन टू मैन बोला गया था, ठीक है। तो मैन टू मैन घर में फिर मैं तो फिर भी वो हो गई थी। दूसरे दिन मैंने फिर भी अपने घर के लोगों के लिए, वो था मेरे दिल में कि नहीं यार गलती हो गई, उसने बोला गलती से गुस्से में बोला होगा, तब तक भी मैं ठीक थी, चलो मतलब एक पल के लिए ठीक है जाने दो। लेकिन जब पूरी तरीके से नंगा कर दिया तब भी नहीं बोला मेरे लिए, तो फिर जब मेरा परिवार जैसी, मतलब आज ये सिचुएशन है हर जगह से, हर जगह से, पति हो, मेरा घर हो, मेरा मायका हो, सब जगह से सिर्फ एक ही बात है, अगर वो फैमिली तो हम नहीं, अगर उन्हें चुनना है तो हम नहीं। मेरा पति बोला अगर वो तो मेरे से अलग, तलाक। तो मैं आज भरी लाइव में बोलती हूँ, नमक हराम अब आपके घर में नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी।
ना आपके घर में आएगी, ना कभी आपकी ज़िंदगी में आएगी। सब अपने अपने परिवारों के साथ खुश रहो। और मैं भरी लाइव में अब बोल रही हूँ, लाइव के व्लॉग में बोल रही हूँ कि अब मेरा तिवारी फैमिली से मेरा कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। इस नमक हराम का आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है, सब कुछ ख़त्म, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन, कुछ भी नहीं रहेगा। और सबसे ज़्यादा थैंक यू बोलूँगी हिम्मत बढ़ाने के लिए। अगर बात की जाए ना दोस्ती की, मिसाल की, तो थैंक यू मिशू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दोस्त ऐसे होते हैं, थैंक यू सो मच। आज शुरू से बोलती आई थी कि मत डरो, बाहर निकलो बाहर निकलो, लेकिन शायद ये भी होना ज़रूरी था, कोई बात नहीं। और हाँ एक चीज़ और, एक रिएक्शन चैनल वाली जिनके लिए, जिन्होंने अलका जी ये सारी जो चीज़ हुई है ना, अगर मेन देखा जाए ना, आप मुझ जैसी औरत, आपके शब्द थे ना, मुझ जैसी औरत को घर में नहीं घुसने देना चाहिए, ऐसी को तो खिलाना ही नहीं था नमक, एक साथ आपके साथ कोई और भी थी, मुझ जैसी औरत मत बोलो प्लीज़ प्लीज़। आपके कारण, आपको क्या लगता आपने सब ठीक कर दिया? अगर आपको ऐसा लग रहा है ना आपने सब ठीक कर दिया, तो आपने दिल पे हाथ रख के सोचना कि आपने क्या कर दिया, ठीक है। मुझ जैसी औरत मत बोलो, मुझ जैसी औरत मत बोलना, ठीक है ना। अब आते हैं, बात करते हैं अंबाला। देखो सबको पता है, सब किसी से नहीं छुपा है कि मैं एक बहुत मतलब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मतलब मुझे हर चीज़ का एक रुपये मतलब 100 रुपये के लिए भी बहुत सोचना पड़ता है, 100 रुपये के लिए भी बहुत सोच समझ के कि यार मुझे यहाँ पे 100 रुपये खर्च करना पड़ते हैं। तो अंबाला का इनविटेशन आया, ठीक है, मैंने पहले तो बहुत सोचा, हाँ इधर, तो वहाँ का खर्चा उठाने की अगर बात की जा रही है ना, तो स्टार्टिंग से बताऊँ तो टिकट के पैसे तो मैंने ही दिए थे मेरे। और पहली बात तो मुझे वहाँ जाना भी नहीं था, बिल्कुल भी मेरा मन नहीं था, और ना ही मेरी तरफ से मेरी फैमिली की साइड से बोला गया था। बहुत मुश्किल से निकली थी, बहुत मुश्किल से। बहुत मुश्किल से गई थी मैं, और एक एक भरोसे पे गई थी मैं वहाँ पर, एक बहुत बड़ा भरोसा करके गई थी मैं वहाँ पर। और मैंने बताया भी था कि यार थोड़ा सा ऐसा पैसों के लिए इशू है, हालांकि बता दिया था कि अपना अपना खर्चा सबको करना है, ऐसा करना है वैसा करना है। थोड़ा सा मेरा भी एक वो था ना कि मैं अपनी यूट्यूब के उससे चली गई थी कि यार मेरी तो पेमेंट का है तो मतलब हो जाएगा, कर लूँगी मैं, उसमें जो थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे थे वो मैं वहाँ पर लेके चली गई। तो सफ़र में खाना पीना, ये खाना वो लेना, ये सब करने में पैसे वो गए। और किस्मत ने चोट ऐसी कर दी कि जो मेरा बैंक अकाउंट है ना, जो थोड़ा सा यूट्यूब का, तो वो क्या है, जैसे सबको अगर जल्दी से मिलता है ना, तो मेरी तो किस्मत ही पांडु है, मैं क्या करूँ। हर चीज़ रुक के मेरे साथ होती है, कभी कोई चीज़ जल्दी से नहीं होती, बहुत लेट। यहाँ भी आप देख लो सबसे आखिरी नंबर है मेरा, तो वही चीज़ मेरा थोड़ा बैंक अकाउंट का भी ऐसे इशू रहता है कि मतलब सबको 21-22 में हो जाता है, लेकिन मेरा 25-26 तक जाती है लाइन, 25-26 के बीच में लाइन जाती है मेरी, ऐसा होता है मेरे साथ में। तो बस वो वहाँ पे थोड़ा सा, और शनिवार रविवार का बीच में आना, तो बस इंतज़ार इंतज़ार। तो बस सब खर्चे, सब ने अपने अपने खर्चे उठाए, किसी ने किसी का खर्चा नहीं उठाया है वहाँ पर, सब इंसान ने अपना एक एक रुपया भी खुद से दिया है। एक चिट बनी थी, यहाँ पे इतना लगा, यहाँ पे इतना लगा, वहाँ पे इतना लगा, मनाली गए गाड़ी का खर्चा इतना हुआ, फिर एंड में कोई किसी का एक रुपया नहीं रखेगा, भाई बैठो, ऐसे मीटिंग बैठी और सबको लाइन से बिठाया गया, इसका इतना आ रहा है, इसने इतना करा, इस जगह पे इतना लगा, उस जगह पे इतना लगा, ठीक है। तो आपके हिस्से में ये है, आपके हिस्से में ये है, आपके हिस्से में ये है,
आप ट्रांसफ़र कर दो। मेरा थोड़ा सा बैंक नहीं, मतलब मुझे मेरे रुक गई थी, तो मैंने बोल दिया बोले यार एक दो दिन में करती हूँ मैं आता है वैसे मेरी पेमेंट मैं कर दूँगी, जो वहाँ का था ट्रिप का पैसा था। तो जैसे ही बोला तो वैसे ही, नहीं मेरी इज्जत की बात है, अभी तो किसी से भी लेके दो, जब नहीं था तो आना ही नहीं था, तो मुझे ले जाना ही नहीं था, किसी से भी लो, कहीं से भी लाओ, दो पैसे अभी के अभी देना पड़ेंगे। भाई मैं तो शॉक्ड, अब क्या करूं क्या करूं। थोड़ी देर में एक हाथ आता है मेरे कंधे पे, जिससे तो कुछ उम्मीद ही नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, एक 1% की उम्मीद नहीं थी। आज बोलूं तो उस समय पे एक ऐसा हाथ आया, क्या हुआ, क्यों टेंशन में हूँ, क्या क्या सोच रही हूँ, क्या हो गया, आंखें ऐसी क्यों हो रही हैं एकदम, मैं कुछ नहीं यार। तो अरे बताओ ना क्या बात है, मतलब कुछ नहीं यार, देखना मेरी पेमेंट नहीं आई यार, मतलब मैं पेमेंट के भरोसे आ गई थी, लेकिन किस्मत इतनी ख़राब है कि शनिवार रविवार इस सब के चक्कर में मेरी पेमेंट रुक गई यार। तो बोले सच बता रही हूँ, मतलब हाँ, कितना आया आपके हिस्से में, मतलब इतना इतना आया, टन दे दो। मीशू रोशन, जिसका तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं था, कुछ भी नहीं सोचा था। मीशु रोशन, दोस्त, इसे बोलते हैं दोस्ती। तो किसी ने किसी का खर्चा वहां नहीं उठाया, सबने अपना अपना उठाया। आई पेमेंट मैंने भी पूरे रिटर्न कर दिए, मीशो के पैसे सब वापस कर दिए पैसे। मुझे मालूम है यहाँ पे थोड़ा सा मेरी बेइज्जती हो रही पैसों को लेके, पता है मुझे, और शायद आप लोग भी यही लिखोगे कि जब नहीं था तो नहीं जाना चाहिए था, तो मैं नहीं जा रही थी, सच में नहीं जा रही थी। बोला चलो मैं हूँ ना, मैं हूँ दीदी, मैं हूँ। और भी बहुत बहुत सी बातें इस दिल के अंदर, लेकिन हाँ अब नहीं, अब नहीं, अभी बात सिर्फ यहाँ पे खर्चे को लेके आई थी ना, तो थोड़ा सा ये उठाया कि हाँ दिया, लेट दिया, लेकिन मैंने मेरा खर्चा खुद से दिया। मिशु ने भी दिए तो मैंने उसको उसके पूरे पैसे रिटर्न कर दिए, टिकट विकेट सबके पैसे मैंने दिए, किसी ने एक रुपया भी नहीं लगाया, ठीक है। और आगे और भी बहुत सी चीज़ें, अभी खर्चा आया और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो खुलेंगी, तो मैं वो आपको अब अगले व्लॉग में बताऊंगी। एक बात और, यहाँ पर मेरे हस्बैंड को कोई कुछ भी मत बोलना, क्योंकि उन्हें तो इस मैटर में कुछ भी नहीं मालूम था। मैंने सिर्फ बोला था अपन को सिर्फ यहाँ से चलना है, वहाँ पर सब कुछ कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, क्योंकि उन्होंने यही सब चीज़ों को लेकर मुझे मना किया था कि रहने दे, बाहर जाएंगे, पैसा लगेगा और कैसे क्या होगा। तो मैंने नहीं नहीं आप टेंशन मत लो, बस आप चलो। बहुत मुश्किल से उन्होंने भी छुट्टी ली थी ऑफिस से, उनके लिए कोई कुछ भी मत बोलना यहाँ पर,